अस्सलाम वालेकुम, माय नेम जावेद इकबाल एवान। माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्टिंग की सीरीज़ में मैं आप लोगों को वेलकम कर रहा हूँ। आज के हमारे टॉपिक है वो है क्रिस्टल रिपोर्ट, सैप क्रिस्टल रिपोर्ट पे आज मैं जो है आप लोगों को इसके इंस्टॉलेशन और फिर देन उसके बाद जो है हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे विन फॉर्म पे और एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इससे पहले मैं एक रिपोर्ट पर ट्रेनिंग दे चुका हूँ माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट पर, जो हमारे मेरे पास प्ले लिस्ट के अंदर मौजूद है। विन फॉर्म रिपोर्टिंग के अंदर हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्टिंग की मैं ट्रेनिंग आप लोगों को दे चुका हूँ, यह मौजूद है ऑलरेडी। अब माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट, आज फिर हम सैप क्रिस्टल रिपोर्ट के बारे में आपको बताऊंगा। मैं पहले आपको ये बता दूं कि हमारे पास कितनी चॉइसेस होती हैं विन फॉर्म पे या एएसपी पे रिपोर्ट पे काम करना चाहते हैं तो क्या क्या चॉइस होती है हमारे पास। तो हमारे बेसिकली तीन चॉइस होती है। नंबर वन सैप क्रिस्टल रिपोर्ट, नंबर टू क्रिस्टल रिपोर्ट, और नंबर थ्री जो है वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट होती है। फ़र्क क्या है, जो आपकी क्रिस्टल रिपोर्ट है वो क्रिस्टल रिपोर्ट कंपनी की रिपोर्ट होती है, लेकिन वो फ्री नहीं है, उसको हमें जो है लाइसेंस से परचेस करना पड़ता है और उसमें हम रिपोर्ट बना सकते हैं। जबकि सैप क्रिस्टल रिपोर्ट भी उसका एक पार्ट है, लेकिन वो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो डेवलपर वर्जन इसका फ्री होता है, इसको हम फ्रीली जो है उसमें डाउनलोड कर सकते हैं और उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो तीसरी जो चॉइस होती है माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट, जो हमें विजुअल स्टूडियो के साथ आती है, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी प्रोडक्ट है और विजुअल स्टूडियो के साथ आती है। तीनों में फ़र्क क्या है, मैं आपको थोड़ा फर्क इंप्लीमेंट आपने बना तो दिया, आपने काम भी कर लिया, लेकिन जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे क्लाइंट की मशीन पे तो हमारे पास क्या तीनों में क्या क्या फ़र्क होगा, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट पर काम किया, जो RDLC रिपोर्ट कहलाती है, जिसकी मैं ट्रेनिंग यहाँ दे चुका हूँ इससे पहले, अगर आपने इस पर काम किया तो इसका मतलब है कि आप जब क्लाइंट की मशीन में अपनी एप्लीकेशन चलाएंगे तो फिर आपको कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो है वो .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि मैं वैसे भी जो है अपनी एप्लीकेशन को चलाने के लिए करना पड़ता है। और .NET फ्रेमवर्क विंडो के अंदर मौजूद भी होता है, हर विंडो का अपना डिफरेंट फ्रेमवर्क होता है। जैसे विंडोज 7 है तो उसके में फ्रेमवर्क है, सब विंडो 8 है, यानी कोई भी विंडो होगी तो डिपेंड करेगा कि आप उसके अंदर जो है वो खुद विंडो भी एक फ्रेमवर्क पर बनी हुई होती है, तो वो उसके साथ फ्रेमवर्क इंस्टॉल होता है। और इसके अलावा अगर आपने उससे हट के किसी और फ्रेमवर्क पर काम किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने विजुअल स्टूडियो 2013 पे काम किया और उसमें फ्रेमवर्क आपका जो है 4 है, और अगर आपके पास विंडोज 7 है तो इसका मतलब उसमें फ्रेमवर्क 3.5 होता है, तो फिर देन हम कुछ इतना इशू नहीं है, हम जो है उसमें नेट से डाउनलोड कर लेते हैं फ्रेमवर्क 4 और उससे जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर इसी विंडो में इंस्टॉल हो जाता है, उतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आपने क्रिस्टल रिपोर्ट यूज़ की तो क्रिस्टल रिपोर्ट के लिए हमें बाकायदा जो है उसको परचेस करना पड़ता है, और उसका बैकअप तकरीबन 1 GB से ज़्यादा का होता है, तो वो फिर हमें क्लाइंट की मशीन में इंस्टॉल करनी पड़ती है क्रिस्टल रिपोर्ट, और फिर उस क्रिस्टल रिपोर्ट की जो सॉफ्टवेयर होता है उस पर हमारी एप्लीकेशन रन होती है। तीसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है सैप क्रिस्टल रिपोर्ट। सैप क्रिस्टल रिपोर्ट आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और सैप क्रिस्टल रिपोर्ट में एक इशू है कि आपने सबसे पहले विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप सैप क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल करेंगे और फिर सैप क्रिस्टल रिपोर्ट पे आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगे। तो जब आप क्लाइंट की मशीन पे भी जो ऐसे ही जब डिप्लॉय करेंगे तो आपको क्लाइंट की मशीन पे भी विजुअल स्टूडियो पहले इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद आपका सैप क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल होगा। तो सैप क्रिस्टल रिपोर्ट पे रिक्वेस्ट आई थी, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं सैप क्रिस्टल रिपोर्ट पे अच्छी ट्रेनिंग जो है मैं फोकस करता हूँ। अच्छा एक बार बताऊँ कि जैसे सैप क्रिस्टल रिपोर्ट पे हम किस तरह का काम कर सकते हैं, हम हर तरह का काम कर सकते हैं। सैप क्रिस्टल रिपोर्ट पे एडवांस लेवल की रिपोर्ट बन सकती है, जैसे क्रिस्टल रिपोर्ट पे और सैप क्रिस्टल रिपोर्ट दोनों पे एडवांस लेवल की रिपोर्ट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रनिंग टोटल निकालना हो, हमें अकाउंट्स की बनानी हो, जनरल लेजर बनाना हो, तो जनरल लेजर में ये होता है कि डे ओपनिंग होती है, फिर डे क्लोजिंग होती है, फिर डेबिट होता है, क्रेडिट हो रहा होता है, फिर डेबिट जो है प्लस हो रहा होता है, क्रेडिट माइनस हो रहा होता है, और उस तरह से डे और साथ साथ जो है वो रोज चेंज हो रही होती है, और फिर लास्ट में उस डे की डे क्लोजिंग होती है और टॉप पे हमारे पास डे ओपनिंग आती है। तो अगर इस तरह की रिपोर्ट हमें बनानी हो, टिपिकल रिपोर्ट बनानी हो, तो फिर हम जो है क्रिस्टल रिपोर्ट या सैप क्रिस्टल रिपोर्ट पे कोई चूज़ करते हैं और उसके ऊपर हम इस तरह की रिपोर्ट बनाते हैं। वैसे हम माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेटिव होती है, लेकिन उसमें आसानी तो हो जाती है। दूसरा, अगर माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट पे अगर हम काम करते हैं, तो जैसे लास्ट टाइम मैंने ये रिपोर्ट कराई थी, इस रिपोर्ट में जब मैंने इनवॉइस बनाई थी तो इनवॉइस मैंने 2 टेबलों से बन के आ रही थी, तो फिर हमारे पास वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता 2 टेबलों से डेटा एक साथ उठाना और उसमें कोई रिलेशनशिप बनाना, तो सैप माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट में ये ऑप्शन नहीं होता। तो फिर हमने क्या किया था, इसका जो सॉल्यूशन निकाला था वो बनाया था हमने, व्यूज़ बनाए थे, और उस व्यूज़ पे जाके हमने जो है व्यू बनाने के उस व्यू के अगेंस्ट में हमने इनवॉइस जनरेट की थी, जो आप इस रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा और लाजम देखिएगा ताकि आपको दोनों में फ़र्क भी नज़र आ जाए, और दोनों में क्या आपके पास वैरायटी है, क्या चॉइस है, वो भी आपके सामने दोनों आ जाएगी।
तो इसमें आपने व्यू बना के काम किया था, लेकिन अगर आप क्रिस्टल रिपोर्ट या सैप क्रिस्टल रिपोर्ट को यूज़ करते हैं तो फिर आपको व्यू बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके पास जितने भी टेबल्स हों उन तमाम टेबल्स को आप वन टाइम जो है सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, और उनमें फिर नॉर्मलाइजेशन भी आप खुद कर सकते हैं, और उसमें वन टू वन करनी है या वन टू मैनी करनी है, ये सारी चॉइसेस हमें सैप क्रिस्टल रिपोर्ट और क्रिस्टल रिपोर्ट देता है। तो फिर इस तरह का कोई काम होता है तो फिर हमारे लिए वो ज़्यादा सूट करती है, नहीं तो अदरवाइज हमें व्यू बना के काम करना पड़ता है और वो व्यू को भी सपोर्ट करती है। दोनों का अपनी अपनी अहमियत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको सैप क्रिस्टल रिपोर्ट की इंस्टॉलेशन सिखाता हूँ। सैप क्रिस्टल रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, डिपेंड करता है आपके विजुअल स्टूडियो का कौन सा वर्जन है, उस वर्जन के हिसाब से आप जो है वो इंस्टॉल करते हैं। अब जैसे मैं 13 के लिए इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो हम लिखेंगे सैप क्रिस्टल रिपोर्ट फॉर विजुअल स्टूडियो 13, तो हमारे पास लिंक आ जाएंगे। इसमें हमारे पास जो है ये भी एक लिंक है जिसके अगेंस्ट में ये हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, आपने फॉर्म फिल करना है और फिर डाउनलोड कर देना तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अगर फॉर्म फिल नहीं करना चाहते ये दूसरा ऑप्शन है आपके पास ASP स्निपर का, ASP स्निपर पर आपको डायरेक्टली ये रिपोर्ट मिलती है। ये वेबसाइट है ASP स्निपर की, और इस वेबसाइट के ऊपर आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड क्रिस्टल रिपोर्ट फॉर विजुअल स्टूडियो 2013 मिल जाएगा। आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। मैंने अभी अभी रिसेंटली अभी भी डाउनलोड की है, 294 MB की है। फिर इसके बाद जैसे इसका सेटअप चलाएंगे तो आपके पास सेटअप यूँ चल जाएगा। अब जैसे मेरे आपके सामने मैं सेटअप चलाता हूँ, सबसे लैंग्वेज हम इंग्लिश की लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। तो फ़र्क क्या होता है, आपके सामने सब सारी वैरायटी आ गई है, उसके हिसाब से आप जो है डिपेंड करता है आपके सिनारी पे, तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए काम करने की। कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए, आपके पास ये वैरायटी होनी चाहिए कि किस कौन सी इससे आगे में क्या काम हो सकता है, उसको आप इंप्लीमेंट करें। अगर आप क्रिस्टल रिपोर्ट सैप क्रिस्टल रिपोर्ट यूज़ करते हो, क्लाइंटिंग मशीन में विजुअल स्टूडियो में इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। बेहतरीन से बेहतरीन हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रिपोर्ट इस पर हम जनरेट कर सकते हैं, और इसमें पैरामीटराइज रिपोर्ट भी बना सकते हैं, इसमें टेबलों की ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। सारी वैरायटी मैं आपके सामने सब चीज़ें रखूँगा, थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में। यहाँ पे स्पेस जो है वो चेक कर रहा है। और रिपोर्टिंग वैसे भी हमारे पास हर एप्लीकेशन में, किसी भी टॉपिक की एप्लीकेशन हो उसमें समरीज और इनवाइस वगैरह तो बनती रिपोर्टिंग पे है, और रिपोर्ट बहुत अहमियत रखती है क्योंकि क्लाइंट की जो सबसे पहली अहमियत है, जो ज़रूरत है क्लाइंट की, वो है समरीज। अब जैसे चला चल गया, हमने नेक्स्ट किया, एग्रीमेंट है अपने, एग्रीमेंट ओके किया, नेक्स्ट कर लिया ऐसे, तो ये भी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली विजुअल स्टूडियो पर इंप्लीमेंट हो जाएगी। आप जब विजुअल स्टूडियो पर जाओगे और जब ऐड न्यू आइटम करेंगे तो रिपोर्टिंग में क्रिस्टल रिपोर्ट शो हो जाएगी, जिसका मतलब है कि आपकी क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल हो गई है। अब इसके साथ साथ मैं विजुअल स्टूडियो भी रन कर देता हूँ, तो जब तक ये सेटअप भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर विजुअल स्टूडियो पे जो है वो रिपोर्ट शो हो जाएगी। मैं यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं हम,
ये सैप क्रिस्टल रिपोर्ट बेसिकली ये वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के लिए, स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो के लिए बनाया गया है और माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे ही रन होता है और इसका आउटपुट भी माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो हो तो इसके बाद फिर इसका आउटपुट होता है, चाहे आप विजुअल स्टूडियो के थ्रू एग्जी नहीं चलाते हैं, लेकिन चूंकि ये सॉल्यूशन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे होता है तो हम जब एग्जी किसी को सेटअप बना के देते हैं तो वो सेटअप बेसिकली तो रन होगा, लेकिन जब वो रन होगा तो अब वो रिपोर्ट मांगेगा और रिपोर्टिंग का जो सॉफ्टवेयर हमने जो टूल्स यूज़ किया है वो तो हमारे पास जो है वो इंस्टॉल नहीं होता और वो इंस्टॉल होता है विजुअल स्टूडियो पे, तो इसलिए सबसे पहले इसको विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना पड़ता है। इसके बाद फिर हम जो है सैप क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद फिर हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, फिर हम जो है वो एक्सीएम डायरेक्टली क्लाइंट हमारा रन कर लेता है और एक्सी जो है डायरेक्टली अपना काम शुरू हो जाता है, लेकिन सैप क्रिस्टल रिपोर्ट की इंस्टॉलेशन के लिए विजुअल स्टूडियो हमारे लिए ज़रूरी होता है। थोड़ा टाइम लेगा, मैं ऐसा बिचार रहा था कि आप लोगों को साथ साथ, और मैं खुद भी वी एस स्टडी में इंस्टॉल नहीं था मेरा विजुअल स्टूडियो, तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के सामने सॉल्यूशन करूं, लेकिन थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन इससे ये होगा कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई किस तरीके से हम इसके इंस्टॉलेशन करते हैं और जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो देन फिर हमारे पास कैसे वो कहाँ पर वो शो होता है, तो वो भी आपके सामने चॉइस आ जाएगी। आज अपडेट कर देगा कंपोनेंट्स को,
ऑलमोस्ट तकरीबन इंस्टॉलेशन हो गई है इसके। एक्चुअली मुझे आईडी नहीं था कितना वो टाइम ले लेगा। 13 के पर मैं फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना टाइम ले लेगा, नहीं तो मैं इसको पहले इंस्टॉलेशन करके रख देता। लेकिन खैर आपके सामने सॉल्यूशन आ गई कि किस सॉल्यूशन होती है, आपको भी आइडिया हो गया कितना टाइम ले रहा है। तो आप भी इसको इंस्टॉल करें और यहाँ से डाउनलोड करके आप इसको इंस्टॉलेशन करें। मे भी हो सकता है डाउनलोडिंग वर्जन में थोड़ा सा इशू होता है, हालांकि इतना 400 MB इतना ज़्यादा बड़ी साइज़ भी नहीं है। तो इंस्टॉलेशन वन टाइम इंस्टॉलेशन हो जाएगा, फिर हमें दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो जब इंस्टॉल हो जाएगा तो फिर ये असल में इसको दो काम होते हैं, कि इंस्टॉलेशन भी करना होता है, दूसरा ये विजुअल स्टूडियो के ऊपर बाइंड भी होता है। तो मे भी हो सकता है मेरा विजुअल स्टूडियो ओपन हो, तो इसलिए भी शायद जो है वो थोड़े टाइम ले रहा है।
आई थिंक मेरे ख्याल से शायद इंस्टॉलेशन हो गई होगी, ये जो है वो फिनिश का ऑप्शन नहीं दे रहा, चेक कर लेते हैं। अब जैसे हम यहाँ से कोई भी न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं एसपी का या विन फॉर्म पे, एमबीसी में भी इम्प्लीमेंट हो सकती है, कैसे रिपोर्ट विन फॉर्म में भी हो सकती है, एसपी डॉट नेट पर भी हो सकती है और डॉट नेट कोर पे भी हो सकती है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे विन फॉर्म की अगर एप्लीकेशन लेता है, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन लेता है, तो यहाँ पे हमें किस जगह पे ये रिपोर्ट शो होती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम सिंपल एक विन फॉर्म की एप्लीकेशन ले रहे हैं, आई थिंक इम्प्लीमेंट हो गई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है रिपोर्ट नया फॉर्म नई एप्लीकेशन लगाने में, तो आई थिंक इम्प्लीमेंट हो गई, फिर देख लेते हैं। अब जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल रिपोर्ट पे काम करना चाहते हैं हम लोग, तो हमारे पास रिपोर्ट को हमें ऐड करनी पड़ती है, तो आपने सिंपल जो है वो प्रोजेक्ट पे जाना है। आपने प्रोजेक्ट पे जाना है और आपने ऐड न्यू आइटम करना है। मैम अगर प्रोजेक्ट पे जाकर यहाँ पे ऐड न्यू आइटम करके देखते हैं क्या इंस्टॉल हो गया, तो जब आप प्रोजेक्ट पे जाकर ऐड न्यू आइटम करेंगे या यहाँ पे विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे भी राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम करेंगे, तो हम रिपोर्टिंग पे जाते हैं, नहीं इंस्टॉल नहीं हुआ अब तक, तो यहाँ पे क्रिस्टल रिपोर्ट लिखा हुआ जाता है, तो जिसका मतलब है कि क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल हो चुका है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट के लिए तो हमारे पास ये रिपोर्ट होती है, जब माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट के लिए होती है RDLC रिपोर्ट होती है, लेकिन क्रिस्टल रिपोर्ट यहाँ पर शो नहीं हो रही है, तो आई थिंक इसमें इंस्टॉल नहीं हुआ अब तक। हम जो करते हैं कि थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या है इसको इंस्टॉलेशन करते हैं, या हो सकता है मे भी इसके वर्जन में कोई इशू आ रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं लेता वो इंस्टॉलेशन में। लेकिन मैं इसको दो पार्ट में कर दूंगा, पहले पार्ट में इंस्टॉलेशन बता दूंगा और फिर सेकेंड पार्ट में मैं उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, ताकि आपको जो देखना हो, अगर सिर्फ इंस्टॉलेशन देखती हो तो फिर आप उस पार्ट को जाकर देखें, और अपने जो है उस रिपोर्ट पर काम करना हो तो देन आप सेकेंड पार्ट पर आ जाएँ, तो फिर मैं इसको जो है वो दो पार्ट में कर देता हूँ। बेसिकली हो यही रहा है कि वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो पे, पहले भी विजुअल स्टूडियो हमारा ओपन था, अभी भी ओपन है, तो शायद इसलिए इतना टाइम ले रहा है। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ, फिर देखते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं इसको कि ये इंस्टॉलेशन हो जाए। बैकग्राउंड में कोई टास्क भी नहीं चल रहा है, चलें अगर ऐसा हो तो शायद बैकग्राउंड में टास्क चल रहा होता, लेकिन बैकग्राउंड में कोई टास्क नहीं है इसका, इंस्टॉलेशन ये खुद ही कर रहा है। असल में इंस्टॉलेशन भी करना होता है, जब इसको अपेंड भी करना होता है, तो मैं इसको दो पार्ट में कर देता हूँ, दूसरे पार्ट में जो है मैं रिपोर्ट पे काम करना सिखा दूंगा, तो आपको तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना लंबा वेट करने की, जिससे इंस्टॉलेशन सीखनी हो
कहाँ से डाउनलोड करना है ये सीखना हो तो फिर देन वो इस हिस्से में आ जाएगा। अदरवाइज जो जिनको काम करना होगा वो सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, उसमें वो समझ में आ जाएगा। अरे सर, टास्क को मैं चेक करता हूँ क्या क्या इस वैकेंड में टास्क क्या चल रहा है। मैं कंट्रोल ऑल डिलीट करके मैं टास्क मैनेजर देख लेता हूँ। हाँ फिनिश आ गया लेकिन ये अब ये फिनिश हो गया। अब हम देखते हैं कि आया ये वाकई इम्प्लीमेंट हो गई है गार्डिन पे। तो अब ये सार्डिन को ऑन करते हैं। अभी हमने रिसेंटली प्रोजेक्ट बनाया था, मैं इसी में देखता हूँ विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे। अगर मैं यहाँ पे अभी ऐड न्यू आइटम करने पे, जहाँ पे भी हम ऐड ऐड न्यू आइटम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ से भी हम ऐड न्यू आइटम कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से ऐड न्यू आइटम करता हूँ और रिपोर्टिंग में जाके देखते हैं तो देखिए ये क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल हो गया। RPT से एक्सटेंशन होता है। अभी क्रिस्टल रिपोर्ट इंस्टॉल हो गया तो इसका मतलब अब हम इस क्रिस्टल रिपोर्ट पर इसमें काम कर सकते हैं। फिर मैं सेकेंड पार्ट में इसकी इंस्टॉलेशन इस पर क्रिस्टल रिपोर्ट पर काम करना सिखा देता हूँ। तो ये इस पार्ट को मैं इस हद तक महदूद कर देता हूँ कि सिर्फ इसकी इंस्टॉलेशन की हद तक, जिसने इंस्टॉलेशन देखनी होगी वो इस वीडियो को देख लेगा, और जिसने क्रिस्टल रिपोर्ट पर काम देखता होगा तो देन वो नेक्स्ट वाले पे आ जाएगा। तो इसके फ़ौरन बाद मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो देखते रहिएगा। ठीक है, अगर चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, जल्ला हाफिज़।